Assalamu alaikum. I am very warm good morning to all my students of class first. Students, today we are going to tell you how you have to write in your CW notebook. Okay, students, you have come from the UKG. Okay, so you are not knowing how to write in the CW because up till now. आपको क्या था, आपको जो नोटबुक मिलती थी स्कूल से उसमें सब कुछ प्रिंट होता था, आपको उसको देख के नीचे लिख लेना होता था। लास्ट में आपको केजी के टीचर्स ने लास्ट में आपको सिखाया था ना, प्लेन नोटबुक थी उसमें लाइंस ड्रॉ करके डेट फिर हेडिंग सब कुछ आपको लास्ट के वीडियोस में सिखाया था। वैसे ही मैं अब आपको बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास की सारी जो CW हर सब्जेक्ट की जो CW है उसमें कैसे लिखना है टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको EVS का बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो विच बुक यू विल गोइंग टू यूज फॉर CW? CW में आपको कौन सी नोटबुक बनानी है, 200 pages। ओके स्टूडेंट, मोटी जो बुक है ना आपके पास 4 लाइन की, वो 200 pages की है, उसको आपको CW बुक आपकी बनानी है। और आपका जो CW बुक है ना वो कैसे आएगा बेटा, वो आपको PDF फाइल में आएगा। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे लिखना है आपको CW में, फिर ये आपको पूरा आपके जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको PDF बन के मिलेगा और जहाँ ऊपर लिखा होगा यू हैव टू राइट दिस इन योर CW नोटबुक 200 pages, वो आपको मोटी वाली बुक में लिखना है। ओके यस स्टूडेंट्स, नाउ यू आर हैविंग द 2 नोटबुक्स। आपके पास कितनी बुक्स हैं, 2 नोटबुक हैं, एक 200 pages की है और एक 100 pages की है। तो 200 pages की बुक हम काय के लिए यूज़ करेंगे, CW नोट्स के लिए यूज़ करेंगे। जब भी आपको हम PDF फाइल भेजेंगे उसमें ऊपर लिखा होगा दिस शुड बी रिटन इन CW नोटबुक, तो आपको 200 pages में उसको लिखना है। और 100 pages की जो बुक है उसमें कभी भी हमें आपको EVS का कोई वर्क होमवर्क बोल के दूंगी HW में लिखना है, तो आपको 100 pages की नोटबुक में यूज़ करना है। स्टूडेंट वन मोर थिंग, एक चीज़ और, अभी तक आपने सब प्रिंटेड किया हुआ देखा था वैसा लिखा आपने, अभी आपको क्या करना है सब कुछ खुद से ही और अच्छा लिखना है, एकदम क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। अभी आपको बहुत सारा वर्क नहीं मिलने वाला है, तो आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना लिखना जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहे और आपकी बुक भी उससे क्लीन दिखे। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट इन CW नोटबुक। CW नोटबुक में आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग कि आपको जो CW नोटबुक है ना वो आपको मेंटेन करनी ही है, आपको जो भी PDF वर्क आएगा वो आपको लिखना ही है और लास्ट तक आपको ये बुक मेंटेन करके रखनी है, तभी आप उसमें से कुछ भी लर्न कर पाओगे। एग्जाम में जो आएगा वो आपको उसमें से ही सारी चीज़ें आने वाली होंगी, तो आपको लिखा होगा तो आपको लर्न करने में ईजी होगा। सो बेटा रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन योर CW एंड वेरी नाइसली मेंटेन। ओके हियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज योर CW नोटबुक, दिस इज ऑफ 200 pages। नाउ हियर यू हैव टू राइट योर नेम, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, डिवीजन और रोल नंबर, ये दोनों आपको अभी नहीं लिखने हैं क्योंकि आपको अभी भी ये मिले नहीं हैं, बहुत जल्दी हम आपको ग्रुप में इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर देंगे। हियर यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, EVS, एंड हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल, आपके स्कूल का नाम माटलीवाला पब्लिक स्कूल। नाउ सी हियर व्हाट इज दिस, दिस इज अ इंडेक्स है, ये इसको भी आपको अभी तक आपने कभी इसको देखा नहीं, आपकी नोटबुक में नहीं था। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे सबको अपने अपने खुद के नाम लिखने हैं। हियर सब्जेक्ट EVS, EVS सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे लिखना है, स्टैंडर्ड फर्स्ट, डिवीजन और रोल नंबर आपको नहीं लिखने। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर दिस इज़ अ सीरियल नंबर, तो अभी हमारा कौन सा सीरियल नंबर आएगा, 1। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, हे कॉमा इट्स ITS इट्स ME। अब आप देखो यहाँ पे H कैपिटल है, I कैपिटल है, M कैपिटल है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ही लिखना है। और ये कौन से पेज नंबर पे लिखोगे आप,
पेज नंबर वन पे, तो यहाँ पे आपको नंबर वन डालना है। फिर अब आप अपनी CW ओपन करो, यह आया आपका फर्स्ट पेज CW का। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे आप यहाँ पे, जिस दिन भी आप स्टार्ट करोगे लिखना उस दिन की आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट हियर पेज नंबर वन। ऐसे आपको सारे पेजेस में नंबर डालते जाना है। हियर यू विल राइट चैप्टर नंबर वन, CHAPTER, चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर वन। देन हियर यू विल राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, आपको ये रेड लाइन और ब्लू लाइन से जाके आपको चैप्टर का नाम लिखना है। हे पुट द कॉमा हियर, इट्स ITS, इट्स ME। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा, हार्ड वर्ड्स दिए जाएंगे लिखने के लिए। हार्ड वर्ड्स आपको पहले ऐसे हार्ड वर्ड्स का टाइटल दे देना है, यहाँ पे आप स्टार बना लेना और ऐसे आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है। फिर यहाँ पे नंबर वन लिखना है। अब नंबर वन में आप क्या लिखोगे, LIKE लाइक, देन नंबर टू डिसलाइक, DISLIKE डिसलाइक। एंड यस स्टूडेंट्स, आफ्टर ईच एंड एवरी वर्ड, हर वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप यहाँ पे रखना है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज आइडेंटिटी, IDENTITY आइडेंटिटी। देन नंबर फोर्थ, व्हाट यू विल राइट, नंबर फोर्थ रीडिंग, READING। नाउ स्टूडेंट्स, लाइक दिस आई एम गोइंग टू गिव यू 5 to 10 वर्ड्स। इफ हियर सी, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, एंड इफ आई हैव गिवन यू 12 वर्ड्स, अगर मैंने आपको 12 वर्ड्स दिए हैं लिखने के लिए, सो नाउ यू विल थिंक कि अब कहाँ जाऊँ मैं लिखने के लिए, सो यू हैव टू कम हियर। नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 एंड सो ऑन, और ज़्यादा होंगे तो आप यहीं लिखना कि हार्ड वर्ड्स आपको यहीं पे लिखने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर वन। इसके लिए आपको पहले यहाँ पे पेज नंबर लिख देना है, पेज नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वे आपको ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन डालना है, और आपको याद रखना है कि हर टॉपिक के लिए आपको न्यू पेज यूज़ करना है। अभी चूज अ करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे एंड हो गए, तो ये नहीं कि नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ से लिखोगे, नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको न्यू पेज यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, ये सब आपको PDF फाइल में दिया जाएगा, आपको उसको ओपन करके उसमें से देख के अच्छे से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को ऐसी नोटबुक मिली होगी और किसी को ऐसी मिली है। ओके स्टूडेंट, दोनों तरीके की नोटबुक्स हैं आपके पास, तो अब आपको वरी नहीं करना है कि मैडम ने तो ये वाली दिखाई, मेरे पास तो ये है, ऐसा नहीं, आप दोनों ही नोटबुक को यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने देखा ना, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है, यहाँ पर आपको आपका स्टैंडर्ड लिखना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स फिल करना है, इंडेक्स में आपने इनको फिर से, यहाँ पे आपको आपका नाम, यहाँ सब्जेक्ट EVS स्टैंडर्ड फर्स्ट, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर में नंबर वन, देन चैप्टर नंबर वन हे इट्स मी, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पेज नंबर भी उसके आगे लिखना है। अभी जो रिमार्क्स और सिग्नेचर जो दिया है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, फिर आप पेज खोलोगे, फर्स्ट पेज में यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू, यू हैव टू, आपने देखा आपको मार्जिन के ऊपर क्या लिखना है, चैप्टर का नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, और डेट आपको कंपल्सरी लिखनी है। क्यों, क्योंकि उससे आपको याद रहे कि आपने इस दिन ये वर्क कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन में आपको स्टार्टिंग की 3 लाइन को यूज़ करके चैप्टर का
नेम लिखना है, दैट इज हे इट्स मी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको जाके हार्ड वर्ड्स लिखना है, पर हार्ड वर्ड आपके क्वेश्चंस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है कि आपके सीखने के लिए वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स के कैरेक्टर डालना है, और जैसे मैंने हार्ड वर्ड्स लिखे हैं लाइक डिसलाइक आइडेंटिटी रीडिंग, ऐसे आपको वन बाय वन वर्ड्स लिखना है। और अगर यहाँ पे लाइन्स ओवर हो जाती हैं तो आपको इधर की लाइन को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज का यूज करना है बेटा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट आंसर है, तो वो आपको कहाँ पे जाना है, न्यू पेज पे जाना है, ठीक है उस पर। और आपको वन बाय वन लिखना है। यस स्टूडेंट, वन मोर थिंग, अभी मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखे दूंगी जिसे आई लाइक प्लेइंग रीडिंग बुक्स, तो उसमें कौन सा रॉन्ग है, प्लेइंग वाला जो है वो रॉन्ग है, रीडिंग करेक्ट होगा। अब हो सकता है वो सेंटेंस पूरा वन लाइन में ना आए, आपका वन लाइन में नहीं आए, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं जाना है, आपको नेक्स्ट लाइन यूज करनी है। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस बड़ा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो आप सेकेंड लाइन यूज करो, यहाँ मत जाना, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब आपको इस पेज पे कुछ लिखना होगा तो वो मैशअप हो जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट लाइन का यूज करना है। ओके स्टूडेंट, होप माई इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू यू, आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। Whenever you get the PDF, start maintaining your CDR. Up till then, take care of your health, stay at home and watch the videos. Allah Hafiz.